खबरों की माने तो सैफ अली खान और रमेश दौरानी के बीच रेम्यूनरेशन को लेकर चल रहा इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है। दरअसल रमेश दौरानी ने रिसेंटली सैफ को अपनी एक फिल्म ऑफर की थी, जिसके लिए उन्होंने सैफ को 10 करोड़ रुपीज का ऑफर दिया था, जो कि सैफ के अकॉर्डिंग काफी कम था। लेकिन अब सुनने में आया है कि सैफ और रमेश दौरानी ने रेम्यूनरेशन को रीनेगोशिएट किया है और अब सैफ इस फिल्म को करने के लिए तैयार है। फिल्म तनु वर्स मनु के सीक्वल को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय का कहना है कि अब तक उन्हें तनु वर्स मनु के प्रोड्यूसर्स की तरफ से लीगल नोटिस नहीं मिला है, और अगर उन्हें ऐसा कोई लीगल नोटिस मिलता है तो वो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। रिसेंटली एक्ट्रेस लीसा हेडन को एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया गया। इस पार्टी प्लेस पर जहां शटरबग्स की मौजूदगी ने रणदीप को कॉन्शियस कर दिया, वहीं लीसा काफी कंफर्टेबल नजर आईं।